स्वर्ग सुमन कार्यक्रम के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार उस महान पवित्र नाम में, जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम, प्रभु यीशुआ मसीहा, उस नाम में हम इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरों को मिले हैं। हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि जहाँ कहीं पर भी है, हम उस सामर्थी नाम में सुरक्षित हैं और वो हमसे बेहद प्रेम करता है। बाइबल में इसी प्रेम के विषय में हम थोड़ा समय मनन करने वाले हैं। परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में, उतार चढ़ान, कमी घटियाँ, बीमारी, कुछ और प्रकार से सताव, मगर फिर भी परमेश्वर का जो प्रेम हमारे ऊपर है, उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और आज इसी विषय पर लेकर हम थोड़ा समय मनन करेंगे। रोमियों की पत्री 8 अध्याय के 35 से लेकर 39 कुछ वचनों में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस अनुभव के साथ कुछ दावा करते हुए कह रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रेरित पौल इन बातों का रोज प्रतिदिन अनुभव करता है और वो बड़े दावे के साथ कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट उसने नीचे लिखी है, हम उसे पढ़ना चाहेंगे। लिखा है, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। और वो आगे कहता है कि जैसे लिखा है, यानी जो लिखा है उस प्रकार का वो खुद अनुभव करता है। और वो कहता है कि तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, ऐसे होने के बावजूद भी, ऐसे परिस्थितियों में से गुजरते हुए भी, पौलुस आगे लिखता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। देखिए, पौलुस फिर से कहता है, वो कहता है निश्चय, मैं जानता हूं, इस बात को मैं अनुभव किया है, मुझे इसके बारे में पूरी तरह से मालूम है। और वो कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि। हाँ, देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और कोई सृष्टि भी हो तो भी वो कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। कोई भी सृष्टि हमें अलग कर सकती नहीं है, कोई भी हालात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा प्रेम है मेरे प्यारे भाई बहनों कि उस प्रेम से आप और मैं पूरी तरह से घेरे हुए हैं। हम फिर से एक बार उन वचनों को याद करेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और मैं रोज तेरी शहरपनाहों को निहारते रहता हूँ। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारा परमेश्वर रोज प्रतिदिन हमें संभालता है। हम सोते हैं मगर वो जागता है, वो कभी ऊँगता नहीं है, हमेशा वो हमें संभालता है। एक गहरे प्रेम से उसने आपको और मुझे घेरा हुआ है। प्रिय श्रोताओं, हम उसके प्रिय संतान हैं, हम उसकी प्रिय प्रजा है। और पौलुस आगे इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय के 1 और 2 वचन में आगे वो लिखता है कि इसलिए प्रिय बच्चों के समान, हाँ, हम परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं और हमें प्रिय बच्चे होने के नाते हमें प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करना है। वो लिखता है कि इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया
और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान ये परमेश्वर के सामने हमारे खातिर था, हमें छुड़ाने के लिए वो बलिदान था। हम इस संसार की सारी गंदगी, सारी बुराइयां, सारे दुख तकलीफ, मुसीबत, सारी चिंताएं, सब प्रकार के जो बंधन हैं, इसमें से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान था हमारे परमेश्वर के सामने एक अनमोल, एक सुखदायक सुगंध, एक ऐसा भेंट उसने बलिदान किया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, खुद प्रभु यीशु मसीह भी आपको और मुझे मत्ती रुचि सुसमाचार के 5:44-45 वचन में हम पढ़ते, वहां पे खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रिय श्रोताओं, ये बातें थोड़ी कठिन लगती है, सुनने में बड़ा आसान है, मगर जब इस प्रकार के परिस्थितियों में से हम गुजरते हैं तो हमें ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मगर मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु हमसे इसी प्रकार का प्रेम करने के विषय में कहता है, क्योंकि खुद हमारे प्रभु ने ऐसा प्रेम हमसे किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ जो प्रेम किया है वो इस प्रकार का प्रेम है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हम लायक नहीं थे। हम सबों ने परमेश्वर के विरोध बलवा किया था, मगर ऐसे वक्त परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और अपने आप को प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस सूली पर उसने हमारे लिए अपनी जान को देकर हमें छुड़ाया। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। वो प्रभु मरता नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। और वो जो प्रेम करता है, उसका जो अगापे प्रेम है, उसका जो पवित्र प्रेम है, उसी पवित्र प्रेम के बारे में वो खुद मुझे और आपको कहता है। बाइबल में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही हमारा विजय है, यही हमारी जीत है, जब हमारे बैरियों से हम प्रेम करते हैं। बाइबल में ऐसे भी लिखा है कि हमें अच्छा करने से हमें बुराई को जीतना है, बुराई करके हमें अच्छाई को जीतना नहीं है, हमें अच्छा करके बुराई को जीतना है। और वही बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहां पर कही है। वो कहता है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रिय श्रोताओं, आगे लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेह बरसाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की प्रजा है, तो आज मुझे और आपको इन वचनों से अपने आप को परख कर देखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यहां पर कि हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे अगर इस प्रकार के स्वभाव में अगर हम हैं। तो लिखा है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रिय श्रोताओं, क्या आज हम इस प्रकार से एक निर्णय लेते हैं कि हम आज से हमारे जो बैरी, जिसको हम बैरी समझते हैं, मेरे प्यारे श्रोताओं, परमेश्वर किसी को भी बैरी समझता नहीं है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। हम परमेश्वर की संतान है, भले यहाँ का हो, वहाँ का हो, इस देश का हो, उस देश का हो, काला हो, गोरा हो, गरीब हो, धनी हो, कैसे क्यों ना हो, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की निर्मिति है, परमेश्वर की हम अच्छी प्रजा है। और मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम एक निर्णय लेंगे कि हम बैरियों पर प्रेम करने के लिए सीखेंगे, जैसे हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और एक बात हम करेंगे कि जो हमारे सताने वाले हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? प्रिय श्रोताओं, हम प्रयास करेंगे।
आज हम एक निर्णय लेंगे कि हम अपने बैरियों के साथ प्रेम करेंगे और हमारे सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, हमारे पूर्वजों के पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम फिर से एक बार आपके चरणों में आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के पवित्र वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि आपने हमसे कैसा प्रेम किया और हमें इस दुनिया में रहते हुए किस प्रकार के प्रेम में रहना है। अब्बा पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीहा, आप हमारी सहायता करो कि जिसे हम दुश्मन समझते हैं, जिसे हम बैरी समझते हैं, उनसे हम प्रेम करने के लिए और जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आप हमारी सहायता करो। आज से हम आपकी पवित्र संतान जब कहलाते हैं तो हमें इस प्रकार के स्वभाव को हमारे अंदर टटोल कर देखने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रिय श्रोताओं में से कोई भी अगर बीमार है, अकेला है, सोच में पड़ा हुआ है, पारिवारिक समस्याओं में है, अपने कामधाम में कुछ मुसीबतों का सामना कर रहा है, कुछ पैसे की कठिनाइयां हैं, कुछ बहुत सारे दिनों से कुछ संकटों का सामना कर रहा है, ऐसे हर शख्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीहा, आपका हाथ, आपके रहम दिल नज़र और आपके वचन के वायदे उनको इन सारी परिस्थितियों में से छुड़ाने वाले हैं। हम धन्यवाद के साथ कहते हैं कि प्रभु, आपने उनको इन सारी उनकी परिस्थितियों में से जो उनके लिए कठिन है, मुश्किल है, उसमें से आपने उनको छुड़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपका नाम छुड़ाने वाला नाम है, आपका नाम उद्धार करने वाला नाम है, आपका नाम हमको सब प्रकार के दुख तकलीफ मुसीबतों में से निकालने वाला नाम है। धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। कहते हैं हम कि हमने मांगा और हमने पा लिया, प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में। आमीन, आमीन।